हेलो फ्रेंड्स, मैं कल्पना आप सभी का स्वागत करती हूँ सान्या गार्डनिंग चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि हमारे जो सिग्मोनियम का प्लांट होता है इस पे कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है कि इसकी जो लीव्स जो होती हैं वो कर्ल हो जाती है। जैसे ही इसमें न्यू लीव्स निकलती हैं वो कर्ल होने लगती हैं, या फिर जो पुरानी लीव्स भी होती हैं वो कर्ल होने लगती हैं। तो ये मैं भी बहुत जल्द अभी मैंने जल्दी ही ये सिग्मोनियम का प्लांट खरीदा था और इसकी भी देखिए जितनी भी जो लीव्स निकल रही हैं वो कर्ल होके इस तरह से निकल रही हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम यही जानेंगे कि लीफ कर्ल होने की प्रॉब्लम क्यों हो जाती है और इसका सॉल्यूशन क्या है। तो फ्रेंड्स, जो लीफ कर्ल होने की प्रॉब्लम होती है ये फंगस की वजह से होती है। या तो आपके प्लांट के सॉइल में फंगस होंगे या फिर आपके प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं उसमें फंगस होंगे। तो इसका जो मेन कारण होता है वो होता है फंगस की वजह से या किसी भी ऐसे इंसेक्ट की वजह से जो कि आपके प्लांट्स को हार्म कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप अपने प्लांट्स में ओवर वाटरिंग कर देते हैं तो लंबे टाइम तक आपके प्लांट में पानी होने की भी वजह से उसमें फंगस बनने लगता है, उसकी जो रूट्स होती हैं उसमें फंगस बन जाते हैं, जिसकी वजह से आपके जो प्लांट है उसकी लीफ कर्ल होने लगती है। तो फर्स्ट रीजन ये हुआ कि अगर आप अपने प्लांट में ओवर वाटरिंग करते हैं तो उससे फंगस लगने का डर रहता है। सेकंड क्या होता है कि हमारे जो प्लांट्स के जो लीव्स होती हैं उसमें कभी कभी पीछे भी फंगस लग जाते हैं, उसकी वजह से भी हमारे जो प्लांट की लीफ हैं वो कर्ल होती हैं, वो हमारे प्लांट्स को अच्छे से डेवलप नहीं होने देते। तो फ्रेंड्स, इसका कारण ये कि जब हम अपने प्लांट्स पर पानी देते हैं तो पानी जो होता है वो लीव्स के ऊपर, मतलब सावर करते हैं तो लीव्स के ऊपर जो होता है वो कलेक्ट हो जाता है और लंबे टाइम तक कलेक्ट रहने की वजह से भी उसमें फंगस लग जाता है। ये देखिए कुछ कुछ लीव्स जो हैं वो इस तरह कर्ल हैं और उस पे इंसेक्ट का भी इफेक्ट है नीचे की ओर, जो ब्लैक ब्लैक छोटे छोटे से डॉट टाइप के वो लगते हैं, लेकिन वो जो होते हैं वो फंगस या फिर वो जो इंसेक्ट्स होते हैं वो होते हैं, उसकी वजह से हमारा जो प्लांट है वो अच्छे से ग्रो नहीं होता है और जितनी भी लीव्स निकलती हैं वो भी कर्ल होके निकलती हैं और वो जल्दी से सही नहीं होती हैं। तो फ्रेंड्स, आपको अपने प्लांट्स को हेल्दी रखना है तो आपको अपने प्लांट्स पर अच्छे से फंगसाइड का यूज़ करना पड़ेगा, ऊपर भी सावर करना पड़ेगा और प्लांट की जो सॉइल होती है उसमें भी आपको टाइम टाइम पर फंगसाइड डालना पड़ेगा, जिससे कि उस पर जो भी फंगस हो वो अच्छे से ख़त्म हो जाए, तभी आपका जो प्लांट है वो हेल्दी ग्रो करेगा। तो फ्रेंड्स, इसके लिए मैं यूज़ करूँगी ये वाला फंगसाइड। तो इसको आपको क्या करना है, इस वाले फंगसाइड को मैं यूज करूंगी 1 लीटर पानी में। तो फ्रेंड्स, इस तरह से स्प्रेयर की जो बॉटल होती है इस बॉटल में मैंने 1 लीटर के लगभग पानी ले लिया है और 1 लीटर पानी में 1 चम्मच के लगभग आपको फंगसाइड डालना है। तो फ्रेंड्स, मैं चम्मच से नहीं नाप रही हूँ, मैं सिर्फ इस तरह से अंदाज से डाल रही हूँ। तो 1 चम्मच या भी थोड़ा बहुत कम ज्यादा भी हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने अपने स्प्रेयर की बॉटल को तैयार कर लिया और मैं सभी लीव्स पर भी अच्छे से इसको स्प्रे कर दूंगी और जो प्लांट की सॉइल है उसमें भी अच्छे से डाल दूंगी। अगर आपके पास फंगसाइड ना हो तो आप चाहें तो हल्दी का जो पाउडर होता है उसको भी 1 चम्मच इस तरह से पानी में मिला के और उसका भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर ड्राई फॉर्म में भी आप चाहें तो सॉइल में जो हल्दी का पाउडर होता है उसको डालने से जो सॉइल के जो फंगस होंगे वो हट जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आपको अपने सभी प्लांट्स पर अच्छे से, जिनकी जिनकी लीव्स कर्ल हो रही है सभी प्लांट्स पर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से जब फंगसाइड अप्लाई कर देंगे तो हमारा जो प्लांट है वो हेल्दी ग्रो करेगा। तो फ्रेंड्स, मेरा आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। थैंक यू।